आप जब कोचिंग माफिया कहते हैं तो माफिया कहने का मकसद क्या है और क्या गलत प्रैक्टिसेस हैं जो इस वक्त यूपीएससी कोचिंग में हो रही है? गलत प्रैक्टिसेस तो सर ये है कि एक तो जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट दिए जा रहे हैं उनसे वो बहुत गलत प्रैक्टिस है कि अब जैसे एक आदमी या एक कोई लड़का है या कोई लड़की है वो अगर स्टडी ग्लोज में आता है और बोलता है कि सर मैं आपकी टेस्ट सीरीज लेना चाहता हूं, तो मैं उसको अपना स्टूडेंट नहीं बता कि इसने मुझे या मुझसे यहां से पढ़ाई की है, क्योंकि सर 99% में ऐसा होता है ना कि आप यूपीएससी की कोचिंग 6 महीने की ही होती है वो, ठीक है, आपने 6 महीने या 7 महीने में उन्होंने पढ़ा दिया। और ज्यादातर कोचिंग जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स की बात करो, नाम मैं यहाँ पे किसी का नहीं लूंगा, बट बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग जिनका पूरा मार्केट एस्टैब्लिश्ड है, वो सर क्या करते हैं ना, वो आपको बेसिक से पढ़ाएंगे भी नहीं, वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि उतना तो आप कवर करके ही, अगर आप यूपीएससी पढ़ने आ रहे हो तो वो 6-7 महीने चलती है, बाकी बच्चा खुद से ही करता है। अब उसने कहीं इंटरव्यू के लिए ज्वाइन कर लिया, कहीं टेस्ट सीरीज के लिए, तो उसने अपना बच्चा बता के एक ही बच्चे को हर जगह हर एक कोचिंग में सर्कुलेट करना, ये एक बहुत ही गलत मैसेज है, क्योंकि इससे पहली बात आप दूसरे बच्चे को जो है वो बरगला रहे हो। क्योंकि मुझे पता है, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं सर कि कहां कहां से वो 1,80,000 1.5 लाख रुपए कोई अपना घर गिरवी रखे हुए है, कोई पता नहीं कहां कहां से वो बड़ा है। दूसरा सर पॉइंट ये है कि माफिया का तो मतलब यही होता है कि जो पूरा सिस्टम कंट्रोल करे और उसमें पैसे का भयानक इन्वॉल्वमेंट और उस हिसाब से मैनिपुलेशन हो, तो ये होता है सर, ठीक है। माफिया हर जगह है, बहुत जगह, जैसे मैं बहुत सारी कोचिंग्स को जानता हूं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट बहुत भयानक तरीके से उन पे प्रेशर बनाया गया कि आप इसको रोक दो, क्योंकि अगर आप एक हद तक मार्केट प्राइस कम करोगे तो फिर ये अच्छा आपके लिए नहीं होगा। कई बार हमने देखा है सर इसी वजह से मर्डर हो जाते हैं, है ना, कुछ केसेस हमने 10-15 साल पहले तो ऐसे होते थे कि कोई टीचर अगर बहुत ही कम में पढ़ा रहा था उसको तो मार दिया जाता था, तो इस हिसाब से सिस्टम चलता था। बट अगेन सर यहाँ पे बस अगर जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट जो दिए जाते हैं, जो मिसलीडिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, फिर उसके बाद हद से ज्यादा पैसा चार्ज करना, शायद उस कोर्स की वैल्यू उतनी ना हो, ठीक है, उससे ज्यादा पैसा चार्ज करना, फिर जो बच्चों को अंधेरे में रखना, ठीक है, कि जिस तरीके से बच्चों को डराया जाता है, उनके पेरेंट्स को डराया जाता है कि अगर ये नहीं तो सब खत्म, फिर उनको अच्छी जानकारी नहीं देना कि भाई यूपीएससी है। थोड़ा और एग्जांपल देके अगर आप समझा पाए कि पेरेंट्स को कैसे डराया जाता है या स्टूडेंट्स पर प्रेशर कैसे लगाया जाता है, ताकि जो लोग देख रहे हैं वो समझ पाए कि कहां नहीं फंसना है उन्हें। मैं बता रहा हूँ, एक एक कंपनी है सर, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, बट वो समझ ही गए होंगे भी, मतलब वो एडटेक की कंपनी है और वो अभी उसकी वैल्यूएशन एकदम से गिरी है, बहुत तेजी से उसकी वैल्यूएशन गिरी है और यू नो उसका डाउनफॉल आ ही गया है। तो उसने बड़े बड़े लोगों को एम्बेसडर रख लिया। अब उनके पास कॉल आता था, क्योंकि मेरे पास भी काफी कॉल्स आए हैं तो मैं उस कंटेक्स्ट से भी बोल रहा हूं कि उसमें पेरेंट्स को ये पहले तो बच्चों से उल्टे सीधे सवाल पूछे जाते थे, जो अगर 5th क्लास का तो 10th क्लास के सवाल पूछे, 8th क्लास के, फिर पेरेंट्स को बताया जाता था कि आपका बच्चा तो कुछ नहीं, मतलब एक कहता है ना कि वो नेगेटिविटी कहते हैं कि पॉजिटिव या नेगेटिव मोटिवेशन की तरह, वो बिल्कुल ही मोटिवेशन को खत्म करते थे कि आपका बच्चा जो उस लेवल का है ही नहीं, जहां आज बच्चे ये कर रहे हैं, वो एग्जांपल दिए जाते थे कि देखिए हमारे यहाँ से बच्चा, हमने जरा सी पढ़ाया और वो कहां से कहां चला गया, लेकिन आपका बच्चा नहीं तो आप हमारे कोर्स ले लीजिए, 1 लाख का कोर्स है। बोलते थे मेरे पास पैसा नहीं है भैया, 20-30 हज़ार महीना कमाते, कहां से तुम्हारा कोर्स ले ले, कहता था कोई बात नहीं हमारे पास ईएमआई अवेलेबल है, लीजिए, वो बैंक से टाई अप है, तो बैंक आ गया, तो इंश्योरेंस कंपनी आ गई, तो सबसे टाई अप करके एक पूरा कोर्स जो है वो बेच दिया। जब बच्चे ने अंदर कोर्स में देखा तो उसमें कुछ था ही नहीं, बोला कि अरे हम तो, हमारी तो बैंड बच गई, हम क्या करें, और या तो फिर लेवल इतना ऊंचा था कि वो बच्चे को समझ में नहीं आया, लेकिन अब वो उसके पेरेंट्स पूरी तरीके से फंस गए, 30 हज़ार महीना कमाने वाला 20-25 हज़ार ईएमआई दे रहा है उस कोर्स पे, तो पूरी तरीके से बर्बाद। तो इस तरीके से सर चलता है, बहुत तरीके से डराया जाता है। स्टूडेंट्स को करना ये चाहिए कि कोई भी कोर्स आप खरीदे, किसी भी कोचिंग में एनरोल हो, किसी भी कोचिंग में, पहले तो प्रॉपर रिसर्च करके जाए, ठीक है, प्रॉपर रिसर्च करके जाए, आप 1 महीना दे, क्योंकि ये सर 1 लाख भारत में, भारत जैसे देश में किसी की जेब से 1 रुपए निकलवाना भी बहुत मुश्किल होता है, जो सही भी है, तो अगर आप 1 रुपए भी खर्च कर रहे हो ना, तो आप पूछो कि 1 रुपए में मुझे क्या मिलने वाला है, आप कौन सी सर्विस मुझे देने वाले हो। आप साफ साफ बात करो, रिसर्च अगर बढ़िया रहेगी, आप 1 महीने पूरा काम करो तो चीजें ठीक रहेंगी। बट वही बात है ना कि सर कई बार, मतलब इनफैक्ट अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 60-70 लोग एक अच्छे प्रोडक्ट की, एक गंदे प्रोडक्ट की अगर एक अच्छी मार्केटिंग की जाए वो चल जाता है। तो वही सर इस तरीके से चीजें हो रहा है, और स्टूडेंट को मैं यही बोलूंगा कि जब भी कहीं पे भी जाए, कोई भी कोचिंग में जाए, वो जो भी क्लेम कर रहे हैं उसकी प्रॉपर तरीके से रिसर्च करो, तो आप इसमें नहीं फंसेंगे। अच्छा, टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ समय में ये हुआ है कि यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स जो है वो फेमस हो गए,
और उन फेमस टीचर्स के नाम पर बड़ी बड़ी अकेडमीज चल रही हैं, स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स जाते हैं कि ये फेमस टीचर हमारे बच्चे को पढ़ाएगा, लेकिन वो जब वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि साहब वो तो मुश्किल से आते हैं यहाँ पर, कभी कभी आते हैं, कभी कभी पढ़ाते हैं, और अगर आपको उनसे सीखना है तो फिर आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी यहीं पर पढ़ने होंगे, और अगर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो उसका एक बहुत बड़ा पैकेज है, वो पैकेज आपको लेना होगा। ये सर पूरी तरीके से सच नहीं है, मैं बहुत सारी कोचिंग्स के बारे में तो नहीं जानता, बट ये चीजें सर वैसे तो बता दी जाती हैं आमतौर पे, अगर एक अच्छी वेल रेपुटेड कोचिंग है तो बता देती है कि ये टीचर जो है ये सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहे, और सर जो यूपीएससी पढ़ने आता है आमतौर पे वो थोड़ा सा मंझा हुआ होता है, उसको इतनी नॉलेज होती है, मतलब 100 में से 70 बच्चे जो आते हैं उनको इतना तो पता ही रहता है कि हाँ ये है, ये प्रॉब्लम है, ये टीचर पढ़ा रहे हैं तो ठीक है, बट हाँ कई बार ऐसा होता है कि मिस वही अगेन घूम फिर के वही कि मिसलीडिंग मिसलीड किया जाता है कि भाई टीचर को कोई और दिखा दिया गया, ठीक है, और जब अंदर गए उसी टीचर को देख के तो वो कोई और पढ़ा रहे, और मैक्स सर होता क्या रहा कि पढ़ाना एक कला है ना। मैं जब बीएससी कर रहा था तो हम लोग क्रिकेट खेलते थे जाके, कॉलेज तो जाते नहीं थे, बट एक बार एक टीचर आए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ाने, तो उन टीचर ने ऐसा जादू किया कि मतलब जगह नहीं रहती थी बैठने की। तो पढ़ाना एक कला है, अब हो सकता है कि जो 10 टीचर है उनमें से 8 टीचर माइट बी नॉलेजेबल हो बट वो डिलीवर उतना नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो ये तो है ही है, बट इसमें भी अगेन बच्चे रिसर्च करें, बच्चे देखें, अगर उनको डाउट है कि जो टीचर के लिए हम जा रहे हैं क्या वो इसमें पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, कौन पढ़ाएगा, ट्रांसपेरेंसी हो तो सर सब कुछ सॉर्टेड है, जहां पे फिर वही प्रॉब्लम आएगी तो। और सर ये चीजें ज्यादा चलती भी नहीं है, ये सस्टेनेबल नहीं है, मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई कोचिंग ऐसा गड़बड़ झाला कर रही है ना तो आप मान के चलिए वो बहुत दिन तक टिकता नहीं है, वो ढह जाएगा, उसका डाउनफॉल आएगा, शुरुआत में हो सकता है वो बिक जाए लेकिन अल्टीमेटली उसका डाउनफॉल आना ही आना है, क्योंकि बच्चे समझ जाते हैं और इंडियन पब्लिक है स्मार्ट, ठीक है, हो सकता है पहली बार में बेवकूफ बन जाए पर दूसरी बार में वो औकात दिखा देती कि बेटा बताते हम तुमको ऐसे कि ऐसे करते हैं तुम्हारे, और ऐसा बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ हुआ है जहां वो एक समय नोट पे नोट छाप रहे थे सिर्फ पैसा देख रहे थे, आज वो कहीं नहीं है और आगे आने वाले समय में उनका नाम भी नहीं रहेगा,